नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। सियासत में कई नेताओं को कुछ ऐसी बातें दिखती हैं जो दूसरे आम जनता को नहीं दिखती। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब दावा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का है। इन दिनों जेडीयू में उथल पुथल मचाने के बाद खुद शांत हो चुके लल्लन सिंह को केंद्र की मोदी सरकार में कुछ स्ट्रेंज बातें दिख रही है। लल्लन सिंह को मोदी सरकार में फर्जी लोग दिख रहे हैं। पूरा मामला समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में फर्जी लोग जगह जगह फैले हुए हैं। बीजेपी फर्जीवाड़े की दुकान चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तभी से लोगों को रेवड़ी की तरह सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जा रही है। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद बात है कि एक आम आदमी जम्मू कश्मीर जाकर 5 सितारा होटल में ठहर कर उपराज्यपाल के साथ घूम रहा था। इतना ही नहीं, उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया और आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र गृह मंत्रालय को पता ही नहीं चला। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह सवाल खड़ा किया कि आखिर किसने उस आदमी को जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया करवाई। उन्होंने केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा कि किसने उसके लिए 5 सितारा होटल में रहने की व्यवस्था कराई, आखिर किसने उसे बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध करवाया। लल्लन सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले और ना ही मुझे आशा है कि भविष्य में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में रेवड़ी की तरह सुरक्षा बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की निजी सुरक्षा व्यवस्था को स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। भाजपा की केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि निजी सुरक्षा बांटने से वोट नहीं मिलते, जनहितैषी कार्यों को करने से मिलते हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को इस मुद्दे पर कड़ी जांच करने की मांग की है। भाई पटेल के फर्जीवाले मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लल्लन सिंह ने कहा कि अब बेहद हास्यास्पद बात है कि एक आम आदमी जम्मू कश्मीर जाकर 5 सितारा होटल में ठहर कर उपराज्यपाल के साथ घूमा, खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया और केंद्र गृह मंत्रालय को पता ही नहीं चला। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।